नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2022 के प्रतिभागी हैं और ग्राउंड ऑडिशन के दौरान जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन आप अपना देकर आए हुए हैं, तो जितने भी प्रतिभागी जो अपना पर्सनल इंटरव्यू सबमिट करके आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे FFF कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कॉल जो है जून महीने के ही लास्ट वीकेंड में आरंभ होने वाला है। तो यहाँ पे प्रतिभागी अपना KBC की तैयारी भी जोरों पे यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। तो आखिर प्रतिभागी KBC की तैयारी किस साइड से जाकर बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि KBC के मंच से ज़्यादा रकम जीता जा सके। हालांकि जनरल नॉलेज के विषय में आप जानते हैं कि ये तो एक समुंदर है, इसका था आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है इसका तैयारी आपको पता करने के लिए आप कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड आप देखिए। 2-3 आप एपिसोड देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर कौन बनेगा करोड़पति में प्रतिभागी के लिए जो जनरल नॉलेज सेट किया जाता है, जो GK सेट किया जाता है, वो किस तरीके से सेट किया जाता है। ध्यान रखिए, एक ग्रुप जो एक सप्ताह में एक ग्रुप को जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए बिठाया जाता है, उसमें 10 प्रतिभागी आमंत्रित होते हैं, यानी कि 10 प्रतिभागी एक साथ जो है पहला सप्ताह में सोमवार को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए बैठते हैं। और पहले से ही प्रतिभागी के लिए जनरल नॉलेज जो है सेलेक्ट करके रख दिया जाता है कि ये प्रतिभागी चुने जाएंगे तो इनका क्वेश्चन जो है ऐसे स्टार्ट होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का आधार है या फिर उसके पीछे की जो स्टोरी है वो सभी प्रतिभागी के साथ एक ही होता है, यानी कि हर कैटेगरी के आधार पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा याद करना शुरू कर देते हैं या फिर फिजिक्स का ज़्यादा याद करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जब तक आप कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड आप नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर प्रतिभागी के लिए जो क्वेश्चन सेट किया जाता है उसमें फिजिक्स से कितना होता है, केमिस्ट्री से कितना होता है, बायो से कितना होता है, या फिर अध्यात्म पे कितना होता है, खेल पे कितना होता है, फिल्म पे कितना होता है। ये सब टोटल जानकारी जो है आपको कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड आप देखेंगे तो वहाँ से ज़्यादा आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो आप किसी भी सीजन का, बेहतर होगा पिछले सीजन का ही आप कौन बनेगा करोड़पति का 2-3 एपिसोड आप देख लीजिए और उसके आधार पे आप अपने जनरल नॉलेज की तैयारी कीजिए। जनरल नॉलेज काफ़ी सारा है, जहाँ पे आप देखते होंगे भारत के प्रथम या फिर भारत के प्रमुख, इस तरीके से काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है निकल जाता है, तो वो सब मोस्टली उतना नहीं पूछा जाता है। और दूसरी चीज़, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन न मात्र के बराबर रहता है, अगर सेलेक्ट किया भी जाता है तो एक केमिस्ट्री से हो सकता है या फिर एक फिजिक्स से हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल कम होता है, अध्यात्म से ज़्यादा होता है, क्रिकेट से कुछ रहता है यानी कि स्पोर्ट्स से रहता है, फिल्म से ज़रूर रहता है, फिल्म में आपको 2-3 क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाएगा, या फिर उसके अलावा जो है आप वहाँ पर देखेंगे तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है, इस तरीके से बायो से भी कुछ क्वेश्चन होता है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे, और अध्यात्म से तो 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आप एपिसोड देखेंगे तो कैटेगरी आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी से जो है वहाँ पर प्रतिभागी से जनरल नॉलेज पूछा जाता है। आप उसी कैटेगरी के अंदर रहकर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। कुछ क्रिएटर्स हो सकता है या फिर कुछ व्यूवर्स ऐसा भी उनका मानना है कि कौन बनेगा करोड़पति का जो टीम है वो प्रतिभागी के लिए जो GK वहाँ पर सेलेक्ट करती है वो करेंट अफेयर्स ज़्यादा सेलेक्ट करती है, यानी कि KBC के मंच पर करेंट अफेयर्स यानी कि तत्काल का जो घटना होता है, जो हाल ही में जनरल नॉलेज बनाया जाता है, वो ज़्यादा पूछा जाता है। जबकि इसके विषय में हम आपको बता दें कि ये सरासर गलत है, KBC के मंच पर करेंट अफेयर्स बहुत कम ही पूछा जाता है। हाँ, KBC टीम ऐसा नहीं कि करेंट अफेयर्स सेलेक्ट नहीं करती है, KBC के रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन जितना दिन तक चलता है उसमें अधिकांशतः जो है करेंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन ही सेलेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के बाद अगर वीडियो ऑडिशन की बात करें या फिर ऑनलाइन ऑडिशन की बात करें या फिर GK टेस्ट की बात करें तो उसमें भी जो मोस्टली क्वेश्चन होता है वो भी करेंट अफेयर्स ही होता है। तो करेंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन जो है अब आपका समाप्त हो चुका है, अगर KBC के मंच पे पूछा भी जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, उससे ज़्यादा करेंट अफेयर्स नहीं होने वाला है, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप देखेंगे तो मोस्टली जो 1 करोड़ का क्वेश्चन होता है या फिर 7 करोड़ का क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन हिस्ट्री पर ही आधारित होता है,
हिस्ट्री के अलावा किसी की कैटेगरी से जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी प्रतिभागी का क्वेश्चन उठा के देखिए, जिस प्रतिभागी से 1 करोड़ का सवाल पूछा जा रहा है या फिर 7 करोड़ का सवाल पूछा जा रहा है, तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री पे बेस होता है, यानी कि इतिहास से उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपको 6-7 कैटेगरी पे ही जनरल नॉलेज की तैयारी करना है। और जब आप केबीसी के एपिसोड को आप देखेंगे, 2-3 एपिसोड आप देखेंगे, तो उसमें सभी प्रतिभागी से जो है लगभग सेम कैटेगरी होता है। सभी प्रतिभागी को जो है उतना ही कैटेगरी के आधार पर उनके लिए उतना क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है। तो आप उसी कैटेगरी के अंदर रहकर अगर आप अपने जीके की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं या फिर यूट्यूब पे जाते हैं, जहाँ पे आप जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे क्रिएटर्स जो है खान बना कर रखे हुए हैं, ना जाने कितना वहाँ पे अरबों खरबों में आपको जनरल नॉलेज मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी को फिक्स कर दीजिए कि आखिर केबीसी के मंच पे किस कैटेगरी से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसी कैटेगरी के अंदर रहकर अगर आप अपने जीके की तैयारी करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा और आप केबीसी के मंच पे आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं।